नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज का मुद्दा, आज की बात, बीमार अस्पताल। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने भले ही गरीबों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया है, लेकिन सरकार के अंदर बैठे कुछ हुक्मरान इन्हीं व्यवस्थाओं पर पलीता डालने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को दोबारा योगी के तौर पर मुख्यमंत्री तो मिल गया, लेकिन यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिशा और दशा अब भी जस की तस बनी हुई है। दरअसल यूपी के जिला अस्पतालों में गरीब सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहां इलाज इतना महंगा हो गया है कि वो यहां इलाज नहीं करा पाते और निराश होकर वापस लौट जाते हैं। वहीं कुछ मरीजों को तो जिला अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो रहे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली की क्या कुछ कहानी है। इस रिपोर्ट को जरा देखिएगा और फिर समझिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो आज हम बात कर रहे हैं कि अस्पतालों की जो तस्वीरें देख सकते हैं आप, कि किस तरीके से अस्पतालों की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हम आपको दिखाएंगे जल्दी। ये देखिए, तो ये तस्वीरें जो हैं, ये अस्पतालों की तस्वीरें हैं। दो जगह के अस्पताल हैं, एक गोरखपुर से है तो दूसरा है संभल से। यहाँ पर ये देखिए, मरीज के सिरिंज लगी हुई है लेकिन बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य बदहाली की ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि योगी सरकार भले ही तमाम दावे और वादे करती हो कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्थाओं के साथ काम कर रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो उनकी बातों को कहीं ना कहीं, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलत साबित कर देती हैं। आज ऐसी कुछ तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट आपकी लिए लेकर आए। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कहानी। अस्पतालों में भटक रहे मरीज, कहीं इलाज महंगा तो कहीं दवाइयां। सिस्टम की लाचारी का जिम्मेदार कौन? यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हालत है, इसका अंदाजा इन दो तस्वीरों से लगाया जा सकता है। योगी सरकार ने गरीबों के लिए अस्पताल तो बनवा दिया जहां उन्हें फ्री इलाज मिल सके, लेकिन उसी अस्पतालों की अंदर बैठे अधिकारी मोटी रकम वसूलने पर तुले हुए हैं। अगर सबसे पहले बात हम संभल की करें तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के जिला अस्पताल में बीमार मरीज को बेड तक नसीब नहीं हो रहा। वही हाथों में ड्रिप लगे एक युवक और एक महिला को भी बेड नहीं मिला। अस्पताल की बेंच पर हाथों में ड्रिप लगे मरीज बैठे रह रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली। वह इसके साथ यहाँ इलाज भी इतना महंगा हो गया है कि दूर दराज गाँव से आ रहे मरीज यहाँ ना तो इलाज करा पा रहे हैं और ना ही दवाइयाँ खरीद पा रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी महंगी कर दी गई हैं। अरे कब से भर्ती है यहाँ? आज से ये बोतल लग रही है ऐसी। तो बेड नहीं मिला आपको? बेड नहीं मिली है। अच्छा, है भैया? तो है ही, बेड नहीं मिला आपको? कहाँ के रहने वाले हो? मोहद्दीनपुर। कब से चल रही है बोतल? आज से चल रही है। बेड नहीं मिला बाल। कौन सा हॉस्पिटल है? सरकारी अस्पताल। अब बात हम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की करें तो यहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली देखने को मिली। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अस्पतालों में दूर दराज से आने वाले गरीबों को इलाज महंगा पड़ रहा, जिससे ये लोग बाहरी इलाज करा रहे। गोरखपुर जिला चिकित्सालय में एक रुपए की पर्ची पर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हर गरीब सस्ते इलाज का भरोसा लेकर जिला अस्पताल आता है, पर वही जब जिला अस्पताल में पहुँचता है तो डॉक्टरों द्वारा गरीब मरीजों को सस्ते इलाज के बजाय उन्हें बाहर महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं और बाहर ही इलाज कराना पड़ता है, जो कि हजारों के होते हैं। इनमें से एक मरीज से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो अच्छे इलाज को सोचकर जिला अस्पताल आते हैं, वहीं उनको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं या फिर पैसे की बंदोबस्त कर अपना इलाज करवा लेते हैं। बच्ची को पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं MRI कराना चाहता हूँ तो यहाँ कहते हैं उपलब्ध नहीं है,
किसने नंबर में किस कौन से डॉक्टर दिखाए हैं? ये 28 नंबर पे दिखाए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहें देखिए बाहर की दवा लिखे हैं और ये अंदर की दवा दो गोली मिला है। अच्छा, 5 दिन के दवा दिए हैं। दिक्कत किडनी पेशेंट की थी, इसमें अंदर से कोई दवा नहीं दी जा रही है। कितने नंबर में कौन से डॉक्टर दिखाया? 32 नंबर पर, रूम नंबर 32 में गए थे, वहाँ पे देखते हैं डॉक्टर कौन से थे। उनके पेट में पत्थर ये बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए। कितने नंबर में दिखाए डॉक्टर? 30-31 में दिनों दिखाए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? वो कह रहे हैं कि इनका उम्र कम है, बहुत ज़्यादा हो गया है और इनको मतलब इलाज के लिए पहले घर में अपना कर लीजिए, तब यहाँ कराएंगे, नहीं तो मेडिकल में ले जाइए। दवा जो लिखा गया है यहाँ पे कहाँ से लिखा गया है? बाजार की दवाई लिखे हैं, एक भी दवाई नहीं मिली है हमको। वही हमने जब जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर GSP सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें ये जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाएंगे और ऐसा पाया गया तो डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपने महानिदेशक को चिट्ठी लिखा था, वहाँ से बजट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन माननीय जिलाधिकारी के सहयोग से ये संभवतः 1-2 महीने में हमारे यहाँ मशीन आ जाएगी। उन्होंने खनन विभाग से इसके लिए बजट की व्यवस्था कराई है और बाकी हम लोग इसको जेम पे लेके और फिर इसकी सूचना खनन विभाग को देंगे। जब खनन विभाग हमको पैसा दे देगा तब इसका हम लोग जेम से ऑर्डर करके इसको ले आएंगे। कार्यवाही की बात तो कर ली डॉक्टर साहब ने, लेकिन हर बार अधिकारी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर अपना बीच बचाव करते हुए निकल जाते हैं और कार्यवाही के नाम पर मिलता है तो सिर्फ झुनझुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। तो अगर ये उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम है तो ना तो ये हेल्दी है और ना ही ये कोई सिस्टम नज़र आता है। कहीं दवाइयाँ महंगी हैं तो कहीं पर्चा महंगा बिक रहा है तो कहीं पर बेड ही नहीं है। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर और संभल से तस्वीरें। इन तस्वीरों को अगर थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करें तो हमारे संवाददाता जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रदीप मिश्रा जी हैं संभल से और धनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी आपके पास चलूँगा। प्रदीप जी, दवाइयाँ महंगी, बेड नहीं है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर लखनऊ की ओर इशारा करें तो लखनऊ से तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से हाई फाई है, स्टैंडर्ड है। तो क्या है तस्वीरें, क्या कुछ कह रही हैं प्रदीप जी? जी, मैं संभल के जिला चिकित्सालय में हूँ जहाँ जिला अस्पताल है। मेरे पीछे ये जिला अस्पताल है जो 100 बेडों का अस्पताल है, इसमें 100 बेड हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई मरीज आता है तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है उसके लिए, कोई बेड नहीं है। यहाँ देखा जाए तो कोई बेड नहीं मिल पाता मरीजों को, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हैं लेकिन उनका सही इलाज नहीं कर पाते क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पूर्व सांसद रामगोपाल यादव जी थे, उनके जब समाजवादी पार्टी सरकार में, तो उन्होंने ये अस्पताल बनवाया था। उसके बाद से आज तक इससे मतलब कि कोई भी डॉक्टर आते हैं चले आते हैं लेकिन कोई भी ढंग से इलाज करने को राजी नहीं है, कोई भी मतलब कि सुविधा नहीं है, केवल आते हैं। अब पिछले दिन अभी न्यूज़ वाली इंडिया के कैमरे में मतलब आते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं वहाँ पे, डॉक्टर आप ये कह रहे हैं? जी, न्यूज़ वाली इंडिया के कैमरे में कैद हुई थी लाइव तस्वीर है, मतलब कि जो है बेड पे बैठा दिया गया, मतलब केवल बैठा दिया जाता है मेज पर, मरीजों को उनकी ड्रिप लगा दी जाती है। यहाँ बेड नहीं है मरीजों के लिए, तो क्या सुविधा है? गवर्नमेंट लाख दावे करती है, सरकार लाख दावे करती है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाएं नहीं, जमीनी स्तर पर आते आते सुविधाएं सब मतलब चली जाती हैं पहले ही। ठीक है, उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, सीएमओ को भी फोन लगाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब बेड आप बता रहे हैं कि बेड हैं तो इसके बावजूद लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि टेबल पर बैठकर, तमाम जगहों पर बैठकर उनके ड्रिप लगाई जा रही है, ये सब क्यों है, ऐसा सब कुछ क्यों नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ धनेश भी जुड़ गए गोरखपुर से। गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ एक साथ ही लिए जाने वाले नाम हो चुके हैं, ऐसे में गोरखपुर से भी अगर इस तरीके की तस्वीरें आएंगी गोरखपुर के जिला अस्पताल से तो ये काफ़ी चिंताजनक हो सकता है। धनेश जी, आप जो बता रहे हैं कि दवाइयाँ भी महंगी हैं, पर्चा जो जा रहा है वो भी महंगा है, डॉक्टर भी फीस ले रहा है, इसके अलावा अंदर की जो व्यवस्थाएं आपने दिखाई वो तो किस ढंग की थी वो सभी ने देख ली होंगी, क्या कुछ कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ जिला अस्पताल के मैं ओपीडी पे खड़ा हूँ इस समय। यहाँ पे दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर तबके के मरीज आते हैं और 1 रुपए के पर्ची पे उन्हें ये विश्वास होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर है, उनको पूरा विश्वास होता है कि 1 रुपए के पर्ची पे हमको सारे मुफ्त दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगे, इलाज भी अच्छे मुफ्त होंगे। लेकिन वहीं यहाँ के जो टूडी में बैठे हुए डॉक्टर हैं
कहीं ना कहीं जो है वहाँ को बैठे हुए उनके साथ जो है बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, तो अगर पांच दवाइयाँ लिखते हैं गोरख जिला अस्पताल के, तो पांच में से दो दवाइयाँ यहाँ जिला अस्पताल में मिलते हैं और तीन दवाइयाँ बाहर की मिलते हैं, जो हजारों में होते हैं। ग्रामीण कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे रोज ओपीडी में आते हैं दूर दराज से, यही भरोसा लेके आते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का और शहर है, जनपद है और सारी चीजें मुफ्त है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सारी चीजें अंत्योदय यानी हर गरीब अंत गरीब तक जो है सारी सुविधाएं उनको मुफ्त मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के मातहत उनके उनके बाल पास में बट्टा लगाते हुए नजर आ रहे हैं जी। मतलब ऐसा भी मामला है कि डॉक्टर जानबूझ के ऐसी दवाइयाँ लिख रहे हैं जिनको बाहर से भी लेना पड़ता हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिला अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि मैंने एक दशक सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने पूरा कर लिया, दूसरा कार्यकाल अब सीएम योगी यहाँ पे संभालने जा रहे हैं, लेकिन पाँच साल पूरे हो गए लेकिन उनके मातहत जो है जब सीएम योगी या फिर कोई बड़े अधिकारी निरीक्षण करते हैं तो उनको जो वही दिखाया जाता है, वो जो देखना चाहते हैं। लेकिन ओपीडी की हालात ये है और अलग जो भी हालात है कि जब यहाँ पे दूर दराज से ग्रामीण तबके के लोग एक रुपए में इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उनको यही मिलता है कि जो यहाँ पे एक रुपए में नहीं बाहर से इलाज बाहर से जांचें करानी पड़ती हैं, बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, हजार रुपए तक की दवाइयाँ लेनी पड़ती है एक रुपए के पर्चे पे और हजार रुपए की दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती है। इसकी शिकायत बार बार संबंधित अधिकारी को जाता है लेकिन वो टाल मटोल करके अपनी बातों को किनारे कर देते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन का फिर क्या फायदा कि जब प्रधानमंत्री कहते हो कि जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जिला अस्पताल की आप तस्वीर देखिए कि ये कमीशन का चक्कर पड़ता है ऐसे में। धनेश जी, हम लोग समझते हैं इसको, यहाँ पर सीधे तौर पर कमीशन वाली बात आती है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो हजारों में होती है और बाहर से मरीजों को, जो कि गरीब मरीज है जो यहाँ पर आते हैं, गरीबों को बाहर से वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं सिर्फ कुछ पैसा बनाने के चक्कर में, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और जिला अस्पताल में अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो प्रशासन उच्च अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में हम वापस चलेंगे प्रदीप जी के पास, वापस चलेंगे। प्रदीप जी, आप अभी बता रहे थे मुझे कि किस तरीके से अस्पताल में बेडों की संख्या और दूसरी तरफ टेबल पर बैठ के लोग ड्रिप लगवा रहे हैं, मतलब जान की कीमत नहीं है। जिला अस्पताल कागजों में शानदार है, नाम में शानदार है, गूगल मैप पर देखेंगे तो वहां भी बकायदा पता लगेगा कि जिले का यह अस्पताल है और इस जगह पर पड़ता है, लेकिन वहां पर जाकर मरीज जो है घर पे जितनी जल्दी ठीक हो सके उससे कम समय लगना चाहिए उसको अस्पताल में, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा लगेगा। और जिस तरीके की आप तस्वीर बता रहे हैं कि ड्रिप कहीं भी चढ़ा दी, मतलब बाहर सीढ़ियों पर चढ़ा दी, अंदर टेबल पर चढ़ा दी, बस नहीं चला छत पर चढ़ा देते जिला अस्पताल की ड्रिप ले जाकर। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको जिला अस्पताल दिखा दूं, ये 100 बेड का जिला हॉस्पिटल है, इतना खूबसूरत बना हुआ है, इसे देखने लोग आते हैं, बाहर से दौरा से लोग आते हैं, गांव देहात से लोग आते हैं देखने, लेकिन ये केवल देखने के लिए खूबसूरत है, इसके अलावा यहाँ खूबसूरती के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। डॉक्टरों के नाम पर जीरो है, सही, देखने के लिए भी खूबसूरत है और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि डॉक्टरों की बैठकी के लिए भी खूबसूरत होता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं, तमाम एसीज है, पाइप दिया गया है अस्पताल को, पूरे अस्पताल फैमिली मतलब बना दिया गया, बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन लेकिन जब मरीज आता है कोई तो उसके लिए ना तो दवाइयों का प्रबंध होता है ना कोई और सुविधा होती है, केवल यहाँ पूरे जिले से मरीज आते हैं, पूरे जिले से मरीज आते हैं, पूरा जिला जो है यहाँ रेफर होकर आता है, यहाँ जब मरीज अंदर जाता है इमरजेंसी गेट आपको दिखा सकता हूँ मैं, इमरजेंसी गेट है, यहाँ से मरीज अंदर जाते हैं और सामने ही वो मेज है जहाँ मरीज जो है ड्रिप लगाई गई थी उसको, सामने ये है मरीज, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, कुछ अंदर की तस्वीरें, ये सामने टेबल है जी, अंदर टेबल दिखाता हूँ मैं आपको, यही वो टेबल है जिस पर उस पर ड्रिप लगाई जाती है मरीजों की, यही टेबल है वो जिस पर ड्रिप लगाई जाती है, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं बाकायदे, एसी लगा हुआ है, सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं, लेकिन नहीं है सुविधा तो केवल एक दवाइयों की, दवाइयाँ नहीं है, इसमें देखिए आप डॉक्टर नहीं है, ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, मतलब देखिए ये तस्वीरें देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर ये तस्वीरें देखिए कि इस वक्त अभी भी मरीज दोपहर का वक्त है और इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो डॉक्टर का केबिन है वो खाली है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, डॉक्टर की कुर्सी है चमचमाती हुई, ऊपर लाइटें जल रही है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है, ये इमरजेंसी वार्ड का हाल है। अगर आप संभल में इस वक्त जिला अस्पताल में पहुंचते हैं इमरजेंसी केस को लेकर तो डॉक्टर साहब को ढूंढने में कम से कम लगेगा समय आपको। जी आपको दिखा दूं, 4:15 हुए हैं घड़ी में, आप देखिए एसी चल रहा है, लगातार एसी खाली चल रहा है, पंखा चल रहा है, इनका नाम पता करने की कोशिश करिएगा कि इस वक्त ड्यूटी पर किस डॉक्टर को मौजूद होना था।
आज चौन प्रकाश जी की ड्यूटी आज सोमवार है, आज चौन प्रकाश डॉक्टर चौन प्रकाश जी की ड्यूटी होनी चाहिए थी यहाँ, नहीं चौन प्रकाश जी यहाँ नहीं है, जो उनके उसमें शेड्यूल में है, शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ चौन प्रकाश जी ड्यूटी है उसमें, नहीं चौन प्रकाश जी, पूरा अस्पताल देखिए आप, पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये देखिए खाली पड़ा है अस्पताल और जिला अस्पताल उसको नाम दिया गया, ठीक है वहाँ कुछ कर्मचारी उनसे पूछेगा जरा कि इमरजेंसी में जिनकी ड्यूटी है डॉक्टर साहब की चौन प्रकाश साहब ये है कहाँ इस वक्त, नहीं कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पर, आप देखिए चादर देने कोई कर्मचारी नहीं, पूरा अस्पताल केवल खाली है, आपको मैं दिखाता हूँ, अंदर दिखाता हूँ मैं, जहाँ मरीज भर्ती होते हैं वहां दिखाता हूँ अभी मैं आपको, देखिए ये ओटी है, ये ओटी है, सही है ओटी, यहाँ इमरजेंसी है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सुविधाओं के नाम पर केवल जीरो है अस्पताल, ये देखिए ईंटों का जिला अस्पताल है, इमारत भर रह गया है, ना तो कर्मचारी है ना डॉक्टर, केवल खूबसूरती खूबसूरती की बिल्डिंग, वो भी समाजवादी पार्टी ने बनवाई थी, समाजवादी पार्टी सरकार में रामगोपाल यादव ने बनवाई थी, ठीक है थोड़ा सा रुकेगा प्रदीप जी, इस समय मेरे साथ डॉक्टर पंकज जुड़ गए, सीएमओ है संभल से आप, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंकज जी सीएमओ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, ठीक है सीएमओ साहब मुझको बताया जा रहा है कि आप पैच हैं और मेरी आवाज शायद आप सुन पा रहे हैं, ठीक है चलिए फोन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, इनको एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रदीप जी के पास वापस चलेंगे, प्रदीप जी आप जो दिखा रहे हैं ये जिला अस्पताल जो है ईंटों से बना हुआ है, पूरा पेंट डेंट सब कुछ हो रखा है इसमें, लेकिन इसके अंदर की जो तस्वीरें हैं जहां डॉक्टर होना चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, कोई भी एक सदा एक नहीं दिखा मुझको, एक नहीं दिखा, तो ये फिर किस काम का गेट है, ये वो कमरा है जो इमरजेंसी है, जहाँ आपातकालीन मतलब इमरजेंसी मिल जाता है, एक्सीडेंटल मिल जाता है, गोली लगा मिल जाता है, ये वो आपातकालीन वो था, यहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, कोई कर्मचारी नहीं है, क्या व्यवस्था है, गवर्नमेंट दावे करती है, लगातार दावे कर रही है गवर्नमेंट कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, कहाँ सुविधा मिले, अगर जमीनी स्तर पर देखी जाए तो कोई सुविधा का नाम नहीं, बिल्कुल सीएमओ को एक बार फिर फोन करने की कोशिश करेंगे संभल से, जो सीएमओ उनको एक बार फिर फोन लगाइएगा, और आप जो बता रहे हैं और जो डॉक्टर नहीं है इस वक्त, ये इमरजेंसी वार्ड का आप हाल दिखा रहे हैं कि ना तो कोई कर्मचारी है, सभी को सुनना ये बेहतर बहुत जरूरी है कि ना तो कोई कर्मचारी अंदर है ना तो डॉक्टर है, ठीक है सीएमओ साहब एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं, चलिए ठीक है तो ये है, ये देखिएगा आप कि जवाबदेही है, लेकिन इसके बावजूद जब हम बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप जी आपके सीएमओ को, जब बार बार फोन कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसी बात पर उनको जवाब देना है, तो वो फोन काटकर भाग रहे हैं, और इस वक्त आपको बता दें कि जिला अस्पताल की जो आप तस्वीर दिखा रहे थे इमरजेंसी वार्ड की, वहां पर जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो डॉक्टर नहीं है, कोई कर्मचारी नजर नहीं आया, कोई नर्स नजर नहीं आई, तो अगर आपको कोई भी इमरजेंसी कोई भी फेटल होता है कुछ भी होता है तो आप अगर जिला अस्पताल जाते हैं तो आपका भगवान ही मालिक है, जी सही बात कर रहे हैं, भगवान भरोसे है हॉस्पिटल, यहाँ कोई कर्मचारी आपने मैंने जैसे आपको दिखाया न्यूज़ वर्ल्ड के कैमरे में, मैं वो क्या दुनिया का तस्वीर है कि कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, हॉस्पिटल पूरा खाली है, ऐसे में अगर कोई घटना घटती है उसका जिम्मेदारी कौन किसकी होगी, जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा, किसकी जवाबदेही होगी, यहाँ सीएमओ है, सीएमओ फोन नहीं उठाते, फोन उठाकर काट दिया करती है, यहाँ के सीएमओ से फोन उठाकर काट दिया करती है, बात नहीं करते, अब बताइए ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन जवाबदेही होगा इस हॉस्पिटल का, कोई अगर मरीज मरता है जवाबदेही किसकी होगी, तो जो प्रदेश का भारी भरकम जो बजट रिलीज होता है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम पर, और जिला जिला जो जाता है बढ़ता है, तो जिला अस्पताल की तस्वीर दरअसल ये है कि पते मर तो आता है, लेकिन अगर इस पते पर आप जाते हैं तो आपका कोई पता नहीं है कि आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर जो आपने दिखाई ये सच में डरावनी है, अगर इसको समझा जाए तो, कि इमरजेंसी वार्ड है जहां पर इमरजेंसी वाले मरीज आते हैं लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं है, आप घूमते रहिए मरीज को लेकर लेकिन आपको डॉक्टर तक नहीं मिलेगा, डॉक्टर के कमरे का, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर के केबिन का एसी चल रहा है लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है, एक कर्मचारी नहीं दिखा, आपने पूरी अंदर की तस्वीरें दिखाई, अभी प्रदीप जी ने पूरी तस्वीरें दिखाई, एक कर्मचारी नहीं, एक नर्स नहीं, कोई भी वहां पर बात करने के लिए नहीं है, महज जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है ये समझ लीजिए, कागजों में है और बिल्डिंग है पतों पर है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है ये आप देख लीजिए कि कोई नहीं है, और ये तस्वीरें डराती हैं, और ये तस्वीरें डॉक्टर पंकज साहब जो कि आप सीएमओ हैं, आपको बार बार फोन किया जा रहा है, आप सारी बातें सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं
तो फिर आप खुद समझिए कि आपको किसको जवाब देना है किसको नहीं देना है, लेकिन अपने जमीर को तो जवाब एक दिन जरूर देना होगा। ठीक है, मेरे साथ दिनेश जी और जुड़ गए गोरखपुर से। आप दिनेश जी जरा आप भी तस्वीर दिखाइएगा कि गोरखपुर के जो जिला अस्पताल है इसकी क्या तस्वीर है, जरा अंदर से दिखाइएगा। जी हम अभी ओपीडी पे खड़े हैं, ओपीडी पे जो क्योंकि 2 बजे तक ओपीडी चलता है, यहीं पे सारे मरीज दूर दराज ग्रामीण से आते हैं और 2 बजे तक डॉक्टर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। यहाँ पे मरीजों की संख्या 2 बजे तक रहती है, बाकी सब लोग अपने जहाँ भर्ती होते हैं वार्ड है जो हम लोग के पीछे वार्ड है वहाँ पे गए, हमको थोड़ी दूर जानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ की तस्वीरें वही आपने जैसे कहा कि बिल्डिंगें चमक रही हैं, बेड चमक रहे हैं, सारे कुछ चमक रहे हैं, लेकिन जो मरीज आते हैं उनको सुविधाएं जो है सुविधाएं देके नाम पे मरीजों को सुविधाएं मिलती नहीं है। जो मरीज सोचते हैं कि मैं इस सरकार में सरकार की जो मंशा है उनके मंशा को जो मैंने पलीटा लगाते हुए उनके मातहत जो है पलीटा लगा रहे हैं, गरीबों तक जो है अंत्योदय योजना हर गरीब अंत गरीब तक जो है सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो गरीब तक सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। मरीज यहाँ आते हैं 1 रुपए के पर्ची में, सोचते हैं कि हमारी सारे जो डायग्नोसिस हो जाएंगे हमें दवाएं मिल जाएंगी, लेकिन दवाएं के नाम पे यहाँ पे जो होती है कि दवाएं मिलती नहीं है, दवाएं जो है देखिए सिस्टम की हम बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो ना तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो दिखता है, ना तो कोई हेल्दी कुछ एनवायरनमेंट दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ यह है कि सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आखिर चाहिए क्यों। दूसरी चीज़ कि अगर इतनी शानदार बिल्डिंग है, अगर एसी बढ़िया परफेक्ट लगा है, बिजली का पूरा संचार हो रहा है, सब कुछ है, तो इससे बेहतर है कि अगर कोई वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इसे शादियों के लिए उठवा देना चाहिए, कुछ पैसा राजस्व में इकट्ठा तब भी होगा। ये समझिए इस चीज़ को कि कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं कि जिला अस्पताल है जहां पर गरीब पहुंचता है इलाज के लिए, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए जब हम इस पर रिपोर्टिंग करें। और मैं बहुत आपको बधाई देता हूं प्रदीप जी और धनेश जी कि आप इन तस्वीरों को लेकर सामने आए कि किस तरीके से अगर गरीब ये सोच रहा हो कि एक जिला अस्पताल उसके इलाके में पड़ता है जहां अगर तबीयत उसकी ज्यादा खराब होती है या कोई इमरजेंसी केस होता है तो वहां जाकर वो इलाज करवा सकता है, तो ये भ्रम जो आपने पाला है इसको छोड़ दें, क्योंकि अधिकारी जवाब देने से भाग रहे हैं और डॉक्टर अस्पताल में नहीं है और क्यों नहीं है ये सवाल है, और इस पर लगातार हम पड़ताल करते रहेंगे लगातार। प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है आपकी ये। हेलो जी प्रदीप जी। हेलो जी बिल्कुल सही है, मतलब अस्पताल है जहाँ जो मरीज आता है वो गरीब ही आता है, गरीब तबके के आते हैं लोग, गरीब तबके में मरीज आते हैं जो इलाज कराते हैं अपना, जिनका फ्री इलाज हो जाए, कम पैसों में इलाज हो जाए, वो सही होकर घर जाए, लेकिन यहाँ लगता नहीं कि कोई मरीज आए और वो सही होकर घर चले जाए। ये तो खुद बीमार है हॉस्पिटल, जिस प्रकार से लगता है डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी में कुछ नहीं है, तो अस्पताल तो खुद बीमार है, इनको खुद इलाज की आवश्यकता है अभी, बिल्कुल पहले इसका इलाज हो उसके बाद भी मरीजों का इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल यही हमने लिखा था, इलाज बीमार पहुंचे तो पहुंचे, पहले अस्पताल ही बीमार है, डॉक्टर है नहीं, अस्पताल ही बीमार है, डॉक्टर है नहीं, दवाइयां जो डॉक्टर लिख रहे हैं बता रहे हैं कि डॉक्टर ऐसी दवाइयां लिख रहे हैं जो बाहर से लेनी पड़ेंगी जो हजारों की है, तो ये कुछ और ही सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम हमें लखनऊ से बताया जाता है कि इस तरीके का सिस्टम है वो सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। और ये बहुत बड़ा खुलासा न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर देखा है आपने कि किस तरीके से संभल के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक व्यक्ति नहीं मिला जिससे प्रदीप जी बात कर पाते, और सोचिए अगर कोई गरीब वहां पहुंचता है इमरजेंसी केस लेकर तो आप किससे बात करेंगे, किससे आप पूछेंगे। ये तस्वीरें सिर्फ डराती हैं और दिखाती हैं कि व्यवस्थाओं के नाम पर जो दावे और वादे जो बड़े बड़े लखनऊ से निकलते हैं वो दरअसल शायद यहां तक पहुंचते नहीं या यहां तक पहुंचाए नहीं जाते। लखनऊ में जो सिस्टम प्रदेश के लिए बनाया जाता है, तो तस्वीरें जो हमारे सामने पेश की जाती हैं शायद वो तस्वीरें अमल में नहीं आती जगहों पर, कई कई जगहों पर। आज गोरखपुर और संभल की तस्वीरें आपको दिखाई, इन तस्वीरों को देखकर अधिकारियों को अब आवश्यकता है कि वो इस पर संज्ञान लें, इस पर कार्य करें। तो आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये संभल की तस्वीर थी और दूसरी तस्वीर थी गोरखपुर की। संभल में आपने देखा कि किस तरीके से जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड जो है वहां कोई भी मौजूद नहीं था, ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति जो भी वहां पर ड्यूटी पर असाइंड है वो सभी नदारद थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में जाते जाते हमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर पंकज सीएमओ संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सीएमओ साहब आपका। पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
चलिए ठीक है, बार बार जब इनको फोन किया जा रहा है, पूरा मैटर भी बताया गया कि आपका जो जिला अस्पताल है वहां पर जिला अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, ये सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया है, हमसे बात नहीं करी। हमसे पहले जो हमारे टीम के मेंबर असाइनमेंट ने जब उनसे बात करी तो उनसे उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम कुछ नहीं बोल सकते। तो डॉक्टर पंकज हैं, सीएमओ हैं संभल के, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते, कुछ भी बोलना नहीं चाहते, तो कम से कम इन व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार कीजिए, और सुधार नहीं कर सकते तो उस कुर्सी को छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।